हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे आज हम, कि किस तरीके से हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सेल में। तो फ्रेंड देख सकते हैं, बेसिकली मैंने यहाँ पर एक डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसे मैंने एम्प्लॉय के नेम रखे हुए हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम रखे हुए हैं, यहाँ पे जनवरी की सेल रखी हुई है, इन क्वांटिटी उनका अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि अब आपको फाइंड करना है कि आपने जनवरी के मंथ में कितने आइटम को सेल करके और कितनी आपकी इनकम हुई है, टोटल इनकम आपकी कितनी हुई है, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको इक्वल फॉर्म लगाएंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद आप इन डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंटर और देन यहाँ पर इसको करेंगे आप कंट्रोल डी की हेल्प से ड्रैग, कुछ इस तरीके से करेंगे आप। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, सम करेंगे इसका जो हमारा यहाँ पर अमाउंट आया हुआ है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और एंटर। तो आपका ये जो अमाउंट आया है ये 65,114, इतना आपने जनवरी के मंथ में जो भी आइटम आपने सेल्स किए हैं, बेचे हैं, तो आपने इतनी इनकम आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा की गई है। तो ये थोड़ा लेंथी यहाँ हमारे सामने एक वर्क हो गया कि अगर हमें कुछ इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करना है तो पहले आपने क्या लगाया, यहाँ पर दो फॉर्मूला का यूज़ किया आपने, एक यहाँ पर सम का और यहाँ पर प्रोडक्ट का लगाया, ठीक है। प्रोडक्ट करता क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है दो नंबर्स की, कि हमने इक्वल लिखा प्रोडक्ट लगाया, इसके मल्टीप्लिकेशन में इसमें की और फॉर्मूले को करे हमने ड्रैग, उसके बाद फिर इस पूरे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है इसका हमने करिया सम, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आया। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका है, तो हम क्या कुछ ऐसा तरीका है हमारे पास जिसे शॉर्ट तरीके से कर सकें, ये दो तरह की कैलकुलेशन में ना करनी पड़े, तो उस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास होता है ये सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये सम प्रोडक्ट। अब आप खुद देख सकते हैं कि सम प्रोडक्ट दो फॉर्मूले से मिलकर बना है, सम और प्रोडक्ट से। मीन्स सम प्रोडक्ट करता क्या है, आप जो एरे फर्स्ट एरे आप सिलेक्ट करेंगे, सेकंड एरे आप सिलेक्ट करेंगे, तो सम और प्रोडक्ट का जो मिक्स फॉर्मूला है ये करेगा क्या, पहले वाले एरे को दूसरे वाले एरे से करेगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका आंसर आएगा उसको करेगा टोटल। तो ये कुछ इंटरनली करता है इस कैलकुलेशन को, अभी तो हमने यहाँ पर मैनुअल किया, पहले हमने इस एरे को इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उनका हमने ऐड निकाला, सम निकाला। तो अगर हम इसको करेंगे सम प्रोडक्ट से तो कैसे करेंगे, इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे सम प्रोडक्ट टैब। अब यहाँ पे पहला जो आर्गुमेंट है इसका एरे वन, मतलब कि एरे वन पहला एरे दीजिए, पहले आप डेटा दीजिए, तो हमारा पहला डेटा ये है, उसके बाद करेंगे कोमा, सेकंड एरे दूसरा एरे हमारा डेटा ये है। अगर ऐसा आपके पास तीसरा चौथा पांचवा जो भी एरे, कितने भी आप एरे दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो एरे हैं, देन हमने ब्रैकेट को बंद किया और किया एंटर, तो आप देखेंगे ये जो आंसर है इस आंसर से मैच कर रहा है। मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि सम प्रोडक्ट का जो काम करने का तरीका है वो करता क्या है, आपके फर्स्ट एरे को दूसरे एरे से मल्टीप्लाई करके और जो उनका मल्टीप्लिकेशन आंसर आता है उसको करके सम हमें आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने, ये थोड़ा हमारा लेंथी तरीका था और बाय प्रोफेशनली इसको हम वर्क यूज़ में नहीं लाएंगे। अगर हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो कंपनी में किस स्मार्ट तरीके से काम किया जाता है फॉर्मूलों की हेल्प से, तो आप खुद देख सकते हैं कहाँ मैं इतना लेंथी तरीका अपना रहा था, कहाँ मैंने छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया सम प्रोडक्ट और जिसकी हेल्प से मेरा आंसर आ गया। आपको इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। अभी हमने इस तरीके को अप्लाई करते हुए दो फॉर्मूले अप्लाई किए हमने, प्रोडक्ट का और यहाँ पे सम का, सेम यही तरीका हम इस फॉर्मूले के अंदर कर रहे हैं। इन दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हमें इस सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे दिया गया है, कि अगर आपको इस तरह की अगर कैलकुलेशन कहीं पर भी करनी है तो आप ये प्रोडक्ट और सम को अलग अलग ना लगा कर फॉर्मूले को आप सीधा यूज़ करो सम प्रोडक्ट का, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ मैं, इक्वल सम प्रोडक्ट एरे वन, आप एरे वन इसको भी ले सकते हैं पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मैं ही सिलेक्ट करूँगा,
बाद में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, एरे वन को एरे टू से मल्टीप्लाई किया और उनके सम उसका सम करके हमें यहाँ पे शो कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।